छोरी तू गनी ना बोले, आज तक जूते सैंडल तने मूर्खा के मारे होंगे। मेरा नाम झंडूस है, झंडू तने देरा नहीं। जो तू ही पंगा ले वैसे ना, तो तैयार रही है झंडू का वार भी सहन करने का तरे। ताऊ तेरे दौरे जो भी हथियार से ना सारे चला लिए, हम भी कॉलेज में पढ़नी है सब कॉलेज में। अरे झंडू, हाँ भाई, क्यों मरवावा तुम्हारे भी के बात, कॉलेज के पालक सही है। अरे मेरा भी नाम झंडू है, तू डरने की बात नहीं है, मैं आप संभाल लूंगा। छोरी तू फालतू ना बोल, ना तू के कर लेगा। अरे थामने नहीं बेरा, मैं के जादू कर सकूं सू। बस तू एक अपना जादू वाला तीर चला के दिखा दे। अरे झंडू के बच्चे क्यों सारे अनपंगे लिया कर, मेरा काम में पंगे लेने का तू चिंता ना कर। अरे चिंता क्यों ना करूं, ये कॉलेज के साथ जवान छोरे, और अपनी उम्र देखिए हम सब बढ़ेरे, लोग आवेंगे तो हमने बिसरावेंगे। अरे तू क्यों डर रहा है, मेरा नाम भी झंडू है झंडू, मेरा साथ मेरी भी झंड करा होगा। अच्छा रे छोरो, हमें 10 मिनट आड़े खड़े पाइयो। जा जा के तू तो चलाएगा। झंडू बेटे वो लाग रहा है उल्तारान, और प्रज्ञा पैदा हूं। अरे अरे क्या बात है भाई, बुझो मत ना साहब। अरे तू मेरे पैर छोड़, अरे बात बता के है। अजी के बताऊं, और स्टैंड पे खड़े बदमाशा ने मैं लूट लिया। पर एक बात बता, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? चाहिए पूछ लो जी। अरे कित फंस गया, कित के लाडू कित के डांस दिखाए इसने, इबकत जरूर फंसवाओगा मन्ने भी। हाँ भाई ये ठीक कह रहा है। हाँ जी वो ठीक कह रहा है, मैं भी उड़ा स्टैंड पे खड़ा था, उड़ा मैंने देखा गूथम गूथा चपटम चपटा इनकी हो रही थी, वह तो मुन्ने भी लूटे थे, मैं तो उड़ता भाज लिया, जात बच गया साहब। चलो फिर मैं देखता हूँ उनको। जनाब दरोगा जी, ये सेवे बदमाश इनने जबरदस्ती मेरे पीछे खोज लिए। अच्छा तो तुम घड़े अंडी पाक रहे हो, के कैसे हो, हमने इसके रुपये खोज लिए। नहीं हवलदार जी, ये झूठ बोल रहा है। हवलदार जी आप इनके गल्ले मिल रही है, जमा जकड़ लिए, मन्ने तो ये भी देखी थी, आप तो पहला ही इसे न पकड़ लिए। अच्छा लखू हवलदार के इलाके में लड़की भी चोरी करने लगी। ना जी हमने ना खोसे इसके पीछे, बेशक इससे पूछ लो। हाँ भाई पहलवान, ये छोरी क्या कहने लग रही है? ये छोरी कति झूठ बोल रहे हैं हवलदार साहब, इनने खूब लूटपात मचाई है, और ये तो मुन्ने भी लूटे थे, और एक जनी तो मेरे चपट गई थी, मतलब मुश्किल पछंडे पछंडे मार कर लेके डा हूं। ना जी ये कति झूठ बोल है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं जी। हाँ भाई तुम एक दूसरे को जानते हो? ना जी मैं तो इसने जानता भी नहीं, ये कौन कड़े का है। और मन्ना तो यो जी आज तो सपना में भी ना दिखा। ना जी ना ये कति झूठ बोला है जी, ये तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लूटपाट करने वाले आतंक फैलाने वाले गिरोह के सरगना हो, अब समझा। देखो जी ये दो जने बातन की तैयारी कर रहे हैं। अरे तुम दोनों पीछे कहाँ जा रहे हो, आगे आओ। नहीं जनाब हम भाग कहाँ रहे हैं, हम तो अपनी जगह बिखड़े हैं। हवलदार जी इसके पास क्या सबूत है कि इसके पैसे हमने लूटे हैं? हाँ भाई बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है? जनाब यह छोरी गनी चक चक करे से, और सबूत मांगे से। इन बारह की तलाशी लो जी, मेरे पास 750 रुपये थे, और वे सारे इंती खोस लिए, और जनाब इंती तो बंटवारी कर लिया, यो के दिखे से 200 रुपये यू ले रहा से, और यू दिखे ना बैल बोट मारा 200 रुपये इसने ले रखे से, और 200 रुपये या दूसरी छोरी लेगी, अरे या जोड़ी चबर चबर कर जनाब 150 रुपये इसने लको रखे से, मैं तो जगह भी नहीं बता सकता कड़े लको रखे से। अभी लेता हूं इनकी तलाशी।
जनाब हम तलाशी क्यों दें? हम चोर नहीं हैं, हमने जब चोरी की ही नहीं, हम हाँ। तलाशी क्यों दें? हमारे पास तो खुद के पैसे हैं। बिल्कुल ठीक है हजर, जब तुम तलाशी देने से मना कर रहे हो तो इसका मतलब लूटपाट तुमने की है। जनाब ये झूठ बोल रहा है, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमारे पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। झूठ सच का पता भी चल जाएगा, तलाशी दो तुम। तुम चुपचाप तलाशी दो वरना थाने चलो, सभी को बंद करता हूँ। अच्छा तो ये तुम्हारे पास 200 रुपए निकले हैं? जनाब जनाब ये तो पैसे मेरे हैं जनाब। चुप रे, बकवास करता है। ले लो जी। तू आ गया। अच्छा तेरे पास से भी 200 रुपए निकले हैं? ना जी ना, ये तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट के लिए मैं घर से लेके आया था। अच्छा बकवास करता है, मैं देता हूँ तुझे गिफ्ट। लड़की तुम अपने पास से पैसे निकालो फटाफट, कहाँ है तुम्हारे पास? हवलदार साहब ये पैसे मैं अपनी मम्मी से लेकर आई थी, ये मेरे पैसे हैं। देखा जनाब ये मम्मी का बहाना लावा है, पहला तो यू बाबू लूट लिया। छोरी तू भी निकाल, पैसे कहाँ छुपा रखे हैं तूने? मैंने कहाँ छुपा रखे हैं? ये रहे पैसे, ये पैसे मेरे हैं, मैं नहीं दूंगी। इधर दे। अच्छा 150, ये ठीक कह रहा था, तो तू है इनकी सरगना, तू तो मेरे ऊपर भी रिश्वत का इल्जाम लगा रही थी। देखो जी मैं ये भी कहूँ सू, हमने इसके कोई पीसे ना लूटे। इतने सबूत और तलाशी के बाद भी झूठ बोलते हो? चलो थाने में, तुम्हें वहाँ बताऊंगा। साहब हम अच्छे घर के बालक सा, इसमें मारा कोई खोट नहीं। साहब मारा कैरियर खराब हो जाएगा जी, हम सच कह रहे सा, ये इसके रुपये नहीं से जी, ये मारे रुपये से जी, हम अपने घर के आते मांग के ले रहे सा जी ये रुपये। हाँ साहब यो ठीक कह रही है जी। कोई बात नहीं जनाब, ये पढ़ने वाले बालक से गलती में बैठ गए, ईवी कहती माफ कर दो। देखा ये कितना अच्छा आदमी है, अब भी तुम्हें माफ करने के लिए कह रहा है। चलो इनके पैर पकड़कर माफी मांगो जी, हमने माफ कर दो। जाओ तरते माफ करया, बाकी तारी बोली में अकड़ी भी रह रही है।